हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नया तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल आसान होगा बनाने में और देखने में बहुत सुंदर तोरण बनेगा। तो इसके लिए मैंने ये 3-ply ऊन ली है। 20-20 ग्राम ऊन चाहिए दोनों कलर, और 11 नंबर क्रोशिया ऐसे पूरा डिजाइन बना के तैयार करेंगे। तो स्टार्टिंग व्हाइट कलर से करेंगे और चेन लेंगे। तोरण पट्टी की जितनी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से चेन ले लेंगे। ये मैं 10 चेन की चौड़ाई रखूंगी तोरण पट्टी की। तो 10 चेन ली है और अब इसके ऊपर 10 चेन और लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से 20 चेन ली है और अब इसको इस तरह से यहां पर बांध लेना है। तो ये तोरण पट्टी की चौड़ाई बनेगी। फिर 10 चेन ले लेंगे और दूसरी साइड में बांध लेना है एकदम बीच में इसके। फिर 10 चेन ले लेंगे और इस साइड में यहां पर बांध लेना है। तो इस तरह से कंटिन्यू बनाते जाएंगे। 10 चेन लेके एक बार इधर बांधना है, 10 चेन लेके एक बार इधर बांधना है। इसी तरह से कंटिन्यू बनाएंगे। 1, 2, 3 यहां पर इसमें बांध लेना है। लास्ट में फिनिशिंग कर लेंगे। और अगर ऐसे ही रखना चाहें ये ऐसे, तो ऐसे भी तोरण पट्टी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कंटिन्यू ये बना के तैयार की थी। तो ये पूरी तोरण पट्टी इसी तरह से मैंने बनाई है। ऐसे ही 10-10 चेन लेके बनाती गई, एक बार इधर बंधा है, एक बार इधर बंधा है। और लास्ट में ये मैंने फिनिशिंग की है रेड कलर से, हाफ डबल क्रोशिया में फिनिशिंग की है। तो ये मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ किस तरह से करनी है। ये यहां से स्टार्ट की थी डबल क्रोशिया और यहां पर आने तक सेम बनाना है और फिर इसमें सर्कल जैसा बनाना है। तो ये हाफ डबल क्रोशिया में कर रहे हैं इस तरह से, और एक में डालना है इस तरह से। ये तोरण पट्टी मैंने बना के तैयार की है। बहुत ही आसान तोरण पट्टी डिजाइन है। देखिए इस तरह से पूरे में बना लेना है हाफ डबल क्रोशिया। और अब जो ये स्टार्टिंग वाली 10 चेन थी, इसमें भी हमें इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। पूरी में गहरे गहरे बना लेंगे और काउंट करके बनाए तो 7, 8 या 9 या 10। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने बना के तैयार कर ली। इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लिए, जितने गहरे गहरे बन सके बना लिए और लास्ट में यहाँ पर जोड़ लिए। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तोरण पट्टी हमारी बनके तैयार है। अब इसके लिए डिजाइन बताएंगे। तो डिजाइन के लिए रेड कलर से स्टार्टिंग करेंगे और ये जो सर्कल है ये वाला पार्ट छोड़ देंगे और यहां से शुरू कर लेंगे। ये 1 और 2 छोड़ के तो डिजाइन यहीं से शुरू कर लेंगे, ये सर्कल छोड़ के, और 1 हाफ डबल क्रोशिया 2 हाफ डबल क्रोशिया यहां से शुरू कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान डिजाइन है। 2 चेन ले लेनी है और अब पफ बनाने हैं। पफ की लड़ी बनाएंगे ढेर सारी, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, इस तरह से बीच में एकदम छोटी लड़ी बनेगी। उसके बाद व्हाइट का डिजाइन बनाएंगे।
पफ जितना हैवी रखना हो उस हिसाब से बना सकते हैं, और लेंथ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं कम या ज्यादा में। फिर दो चेन लेंगे, सिक्स टाइम या सेवन टाइम जितना हैवी रखना है उस हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से पूरी लड़ी बना के तैयार कर लेंगे। जितनी पफ की रखनी हो, 10 की 12 की या 15 की, उस हिसाब से फिर कम होती जाएंगी, एक एक पफ कम होता जाएगा इसमें, और बीच में लास्ट में सबसे छोटी लड़ी बनेगी। फिर दूसरी साइड में फिर बड़ी, फिर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी वाली लड़ी बनेगी। सेम इसके जैसी ही जितनी इधर बनाएंगे उतनी ही उधर बनेगी। तो इस तरह से लड़ी बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने 13 पफ की पहली लड़ी बनाई है। इसके बाद 12 की बनेगी, फिर 11 की, 10, 9, इस तरह से कम करते जाएंगे। और अगर दो पफ कम करने हैं एक लड़ी में तो दो भी कम कर सकते हैं, दो करते करते जितनी लड़ियां बने बना के तैयार कर लें पहले इसमें पूरे में। जब पूरे में लड़ियां तैयार हो जाएंगी ये, तो फिर मैं आपको एक डिजाइन बताती हूँ कैसे बनाना है। वो डिजाइन डालेंगे व्हाइट कलर में। तो यहाँ पर एक चेन और लिख के और इसको निकाल देंगे, इस वाले कलर को। अब व्हाइट कलर यूज करेंगे। ये एकदम बीच में डालना है हमें इस तरह से। इस तरह से डाल लेना है। और अब यहां पर हमें एक लेंथ रखनी है, आप अपने हिसाब से जितनी लेंथ बढ़ानी है उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहां पर इसे ऐसे बांध लेना है। यहां पर एक पफ बनाएंगे, फाइव टाइम हो गया। इसके बाद सेम साइज की एक और बनाएंगे, इधर एक चेन लेके के सेम साइज होना चाहिए, इस तरह से नाप भी सकते हैं। और बांध लेना है इस तरह से। ये एक लटकन बन गई इसकी। अभी दूसरी बनाएंगे सेम इसी तरह से और सेम साइज में। फिर एक पफ बनाना है इस तरह से। मैं यहां पर 5 पफ की लटकन बनाऊंगी। सेम बराबर साइज में दो लटकन हो गई। ये देखिए, तो ये टोटल 5 बनाएंगे यहां पर। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने 5 लटकन इसमें बनाई है व्हाइट कलर की, सेम जगह पे एक ही पफ के नीचे। ये देखिए, तो चाहे तो ये एक से भी डिजाइन सही रहता है, और अगर आपको डिजाइन और डालना हो तो एक और लटकन ऐसी ही बना सकते हैं हम, या फिर पूरी लड़ी पर भी बना सकते हैं जगह जगह पे। जैसे कि अभी मैं इसको एक यहां पर बना देती हूँ सेम डिजाइन। सेम इसी तरह से बनाएंगे। साइज भले ही थोड़ा छोटा रख सकते हैं, अपने हिसाब से रखें साइज, इससे इसके बराबर रखना है या छोटा रखना है या बड़ा रखना है उस हिसाब से।
इस तरह से लेके फिर पफ बना लेंगे। और इसको यहाँ पर बीच में बांध लेंगे। तो ये चार लड़ी का बनाऊंगी मैं, आप पांच का भी बना सकते हैं या छह का, जितनी लड़ी का बनाए बना सकते हैं। मैं चार साइड में चार लड़ी बनाऊंगी इसमें, इसी तरह से। तो इस तरह से इस वाले में मैंने चार लड़ियां बनाई हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इससे भी बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा। तो ये देखिए, एक मैंने यहां बना लिया और एक यहां बना लिया। इस तरह से आप चाहें तो फिर तीन के बाद एक लड़ी यहां पे एक डिजाइन डाल सकते हैं लड़ियों का, फिर तीन के बाद डिजाइन डाल सकते हैं। इस तरह से पूरे में भी बना सकते हैं, या फिर मैं ये सिर्फ दो में ही बना रही हूं, इतना ही डिजाइन, बाकी का ये खाली रहेगा। तो इस तरह से ये डिजाइन बना के मैं तैयार करूंगी तोरण के लिए, बहुत सुंदर डिजाइन लगेगा ये। ये देखिए, तो ये देखिए इसी तरह से ये मैंने सेकंड लड़ी बनाई है इसमें। ये देखिए, ये इससे थोड़ी छोटी बनेगी इस तरह से साइज में, फिर इससे छोटी साइज में बनाएंगे, फिर उससे छोटी। इस तरह से ये वाला डिजाइन डाल सकते हैं, या फिर सारी लड़ी एक जैसी बराबर भी बना के डिजाइन बना सकते हैं। ये वाला भी बहुत अच्छा डिजाइन लगेगा, जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन है तोरण के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तोरण हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमने सारी लड़ियां बना ली हैं। इसी तरह से इसमें सबसे लंबी लड़ी है, फिर दो पफ कम करके इससे छोटी, फिर दो कम करके इससे छोटी। तो इस तरह से साइज वाइज बनाते जाना है, और लास्ट में बीच में ये मैंने दो पफ की ही रखी है। इसी तरह से बनाना है पूरा, दो पफ की, फिर ये चार की है, छह की है, आठ की, दस, बारह, चौदह पफ और 16 पफ। और तोरण और बढ़ाना है तो 18 पफ, 20 पफ, इस तरह से बढ़ाते जाना है इनका साइज। तो इस तरह से ये डिजाइन मैंने बना के तैयार किया है, बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत सुंदर डिजाइन है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर पेंसिल फ्लावर यूज कर सकते हैं, रेड कलर के लगा सकते हैं, हर एक पर लगा सकते हैं, या बीच बीच में कहीं कहीं पर लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को डिजाइन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।